नाउ द 12th नक्षत्र, द 12th स्टार उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, इट इज़ द स्टार ऑफ पेट्रनेज, एनीथिंग रिलेटेड टू पेट्रनाइजेशन, पेट्रनेज, इट इज़ सीन फ्रॉम उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। हमने पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में देखा था कि आप किसी भी रिसोर्स को यूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर हायरिंग समवन यू पे देम, बट द एक्सेप्टेंस द फाइनलाइजेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज सीन फ्रॉम उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। दिस नक्षत्र रेंजेस फ्रॉम 26 degrees 40 minutes लियो टू 9 degrees 59 minutes वर्गो। इस नक्षत्र की जो मंत्र है उसको ओम श्री उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र देवताय नमः से जानते हैं, और इसकी शक्ति होती है छयनी शक्ति। छयनी शक्ति का मतलब होता है आपके पार्टनरशिप में कितना स्ट्रेंथ है, व्हाट काइंड ऑफ पावर यू हैव इन योर पार्टनरशिप्स एंड वट एवर पार्टनरशिप यू डेवलप। सो इसके जो देवता होते हैं उनका नाम आर्यमान है, और आर्यमान गॉड ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड शिवलरी। आर्यमान का काम होता है हॉस्पिटैलिटी का, किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कराने का। अब मैं इससे पहले कि इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करूं, मैं बॉटम लाइन देना चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो नक्षत्र है ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट्स को डिटरमाइन करता है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हम सेटल करते हैं, दो लोगों से बात करके कोई एग्रीमेंट पे आते हैं, तो दिस इज अ स्टार ऑफ एग्रीमेंट। अगर इस नक्षत्र पे एफ्लिक्शन है तो आप जितने भी टाइप के गलत एग्रीमेंट्स होंगे उनमें जाएंगे। अगर पॉजिटिव एफ्लिक्शन है तो आप अच्छे एग्रीमेंट्स में आओगे। जब हम स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो पहले हम एडमिशन लेने से पहले फ़ी पे करते हैं। ये जो फ़ी हम पे कर रहे हैं इसको पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र कहते हैं, और जो अब हम एडमिशन ले लेंगे तो हमारा रजिस्टर में नाम चढ़ जाएगा कि यू आर गोइंग टू कम टू आर कोर्स, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करो, उसे पढ़ो। तो इस कोर्स में जो एडमिशन होता है, एडमिशन को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र देखते हैं, और पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी दोनों मिलके इनिशिएट करती है किसी भी चीज़ को। हमने माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी तीनों देखा है हमने। अभी उत्तर फाल्गुनी देख रहे हैं, लेकिन माघ और पूर्व फाल्गुनी हमने देखा है। ये दोनों किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं। तो पूर्व फाल्गुनी इज़ द प्राइस यू पे एंड उत्तर फाल्गुनी इज़ द एग्रीमेंट यू गेट अलॉन्ग टू। आप जब किसी एक्ट्रेस को हायर करते हो तो हायर करने से पहले पैसे देते हो, उसके बाद हायर करते हो। तो हायरिंग, HIRING, हायरिंग, HR, ह्यूमन रिसोर्स, जो कि किसी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स होता है जो हायर करता है किसी भी एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय भी जो कॉन्ट्रैक्ट में आता है किसी भी कंपनी के साथ या फिर किसी भी फॉर्म के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है, उसको उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से देखते हैं। इस नक्षत्र में अगर कोई प्लैनेट है आपका और उस प्लैनेट की महादशा चल गई, तो यू विल बी आइडेंटिफाइड इन द सोसाइटी एज अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हायर। You are the person who accept people in into their institution. Institution अब हर institution का एक management होता है। The management is responsible for running the institution. उस management में वो person जो contract finalize करता है उसको हम उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से देखते हैं। इसीलिए इस नक्षत्र को star of patronage कहते हैं। जो कर्ण जब पानी में बहा दिया गया था, जब कर्ण जब छोटा बच्चा था, जब सूर्य ने उसको कुंती को दिया था, कुंती ने बहा दिया था उसको पानी में, तो उसको जिसने एक्सेप्ट किया उसके बहाने के बाद, उस एक्सेप्टेंस को इस नक्षत्र से देखते हैं। तो उत्तर फाल्गुनी इज़ द स्टार ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर यहाँ केतु बैठ गया तो आपको एक्सेप्ट करना आता ही नहीं है, आप जल्दी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेंगे ही नहीं। डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, इनफैक्ट अगर आपको किसी इंस्टीट्यूशन में एनरोल करवा भी दिया जाए तो आप वहाँ से भाग आइएगा।
आपको किसी भी कोर्स में रहना पसंद नहीं है, किसी भी चीज़ को करना पसंद नहीं है, किसी भी चीज़ में इंगेज होना पसंद नहीं, इनफैक्ट मैरिज से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर केतु है उत्तर फाल्गुनी में। तो केतु शैडो कर देता है किसी भी नक्षत्र या फिर किसी भी प्लेस को। तो मैं फिर से कहूँगा कि कुंडली को प्रॉपरली एनालाइज कर किया जाता है, पूरी कुंडली एक साथ पढ़ी जाती है किसी एक बात को बोलने के लिए। लेकिन इस नक्षत्र का मतलब एक्सेप्टेंस होता है, पेट्रोनेज होता है, शिवेलरी होती है, आप किसी को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो, वो उत्तर फाल्गुनी से देखा जाता है। और ये नक्षत्र के जो लोग होते हैं, खैर लोग कहना गलत होगा बिकॉज़ महादशा चेंज होती है, चर दशा चेंज होती है और लोगों की लाइफ भी चेंज होती है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इस नक्षत्र के लोग, मैं गलत कह रहा हूँ। असेंडेंट, तो असेंडेंट सीधे के सीधे राशि से देखी जाती है। असेंडेंट में भी आपका नक्षत्र का सिर्फ बॉडी के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने का काम होगा, आपकी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पार्टनरशिप का नक्षत्र होता है। आप किसके किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो? पार्टनरशिप विल बी द बेसलाइन। अगर सैटर्न बैठ गए यहाँ पे, आपका कर्म बन जाएगा। लोगों से दोस्ती करो, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेट करो, लोगों को अपने कोर्स में एनरोल करो, जितने भी लोग हैं। अगर 8th हाउस में उत्तर फाल्गुनी है और उत्तर फाल्गुनी में आपका सैटर्न है, यू विल बी सेलिंग कोर्सेज। आप आओ, आप हमारे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करो, आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके देखो। जितनी भी एक्टिव कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाती है आपकी, आप शॉपकीपर के पास जाते हो उससे सामान खरीदने के लिए, तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र एक्टिव कॉन्फिडेंस का नक्षत्र है। आपने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जो कि बहुत ही गलत होते हैं, बहुत ही बुरा काम करते हैं, लेकिन लोग उनको ट्रस्ट करते हैं। ये ट्रस्ट जो है ना, ये इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र स्ट्रांग होता है। राहु पड़ गया उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, यू विल बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग कोर्सेज। आपको लोगों को अपने अधीन करना, डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आपके बॉडी में है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, मतलब फर्स्ट प्लेस पे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और वहाँ पे राहु है, यू वॉन्ट पीपल टू डिपेंड अपॉन यू। इट्स अ जनरल ट्रेट। अब वो अगर सैटर्न है आपके पहले स्थान पे और पहले स्थान पे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र इज फॉर्मिंग ट्रस्ट। तो आपका काम हो जाएगा, आप जिससे भी बात करोगे आप ट्रस्टेड पर्सन कहलाओगे अपने सोसाइटी में। यहीं अगर शनि पे केतु चल गया उत्तर फाल्गुनी में, चलने का मतलब ट्रांजिट कर गया, तो डायनेमिक थोड़े चेंज होंगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर आप वापस वैसे ही पर्सन बन जाओगे। सो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का बेस लाइन, बॉटम लाइन कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट, ऊबर रिमेफाइड। ऊबर रिमेफाइड का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट ट्रस्ट। आप जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर किसी भी चीज़ का, अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ देखो, तो कॉन्ट्रैक्ट्स को बेचने का भी नक्षत्र होता है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। जितने भी इंश्योरेंस सेल करने वाले होते हैं उनको इस नक्षत्र से देखा जाता है। अगर बुध पड़ा हुआ है इस नक्षत्र में, तो आप डेफिनेट है कि बुद्धि बेचोगे, आप बुद्धि दोगे, आप बुद्धि से रिलेटेड कोई भी काम। सपोज अब ये अगर 4th हाउस में है, तो 4th हाउस में अक्वायर किया जाता है, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं, मोस्टली मेजरली ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए देखा जाता है जहाँ पे लोग लोगों को हायर करते हैं। अगर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रॉन्गली एफ्लिक्टेड है, तो आप लोगों को गलत चीज़ के लिए हायर करोगे। तो अगर पॉजिटिवली एफ्लिक्टेड है, तो लोगों को अच्छी चीज़ के लिए हायर करोगे। तो बॉटम लाइन बनती है कि आप एडमिशन ले रहे हो, एडमिट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो किसी को इस नक्षत्र में। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आपने पैसे ले लिए थे कि लाओ पैसे निकालो, तभी तो एक्सेप्ट करेंगे तुम्हें, और जैसे ही उसने पैसे दे दिए आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ से हमारी स्कूल की कहानी शुरू होती है, या फिर हर उस इंस्टीट्यूशन की कहानी शुरू होती है जहाँ पे आपने एनरोल किया है। एनरोलमेंट इज द वर्ड फॉर यू। आप जिस इंस्टीट्यूशन में भी एनरोल कर रहे हो, आर्यमान देवता है। देवता का मतलब द वेसल थ्रू विच अ शक्ति इज कैरिड। छयनी शक्ति, छाया देना, अपने अंदर रखना, अपने अंडर में चलाना किसी भी चीज़ को। तो आप किसके अंडर चलोगे? सैटर्न अगर यहाँ पे है, तो आप सबको अपने अंडर में रखोगे। अगर 4th हाउस में है सैटर्न आपका, तो आपके नॉलेज के अंडर रखोगे आप सबको कि हाँ मैं इसको इतना नॉलेज दूंगा। या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नक्षत्र होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो
With this, I think it's time to end the episode, and stay tuned, subscribe.